टुनटुनी फोन पर बात किए हुए रोए जा रही थी। उधर से उसकी माँ समझाते हुए उसे चुप कराती है। मम्मी, मेरे काले रंग के लिए यहाँ सब मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं काले रंग की हूँ? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? अब तो मेरा मन बहुत खराब होता है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी। मैं बहुत परेशान हूँ। रो मत बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वालों को तेरी अच्छाई का एहसास जरूर होगा। टुनटुनी फोन रख देती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं और आपके घुटनों में दर्द है और मैं जा नहीं सकती। मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने लगी हूँ। अरे तो ये टुनटुनी क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख कर मेरा दिमाग और खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। टुनटुनी, जाओ बाजार से रसोई के सारे मसाले खरीद लाओ। एक भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। मैंने सारे मसाले लिस्ट में लिख दिए हैं। जी भाभी, ले आती हूँ। हमारी किस्मत फूटी थी जो ऐसी काली बहू मिली। थोड़ा ऐसा मसाला भी ढूंढ लाना जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रहती है, क्योंकि ये सब तो वो रोजाना ही सुनती थी। टुनटुनी बाजार तो चली जाती है, लेकिन उस दिन सारी दुकानें बंद थी। भैया, ये राशन की दुकानें क्यों बंद है? बहन जी, सोमवार को सारी दुकानें बंद रहती हैं। अरे हाँ, आज तो सोमवार है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। टुनटुनी को ध्यान नहीं रहा, लेकिन उसकी सास और जेठानी को ये बात अच्छे से पता थी। मम्मी जी, हमने अच्छा किया, आज सोमवार की छुट्टी है। वो बेचारी टुनटुनी बाजार में मसाले की दुकान ढूंढ रही होगी। आप टुनटुनी को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। छोड़ना भी नहीं है, मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमती रहने दो धूप में बाजार में, जब खाली हाथ लौट कर आएगी तो अच्छे से सुनाऊंगी। टुनटुनी बहुत परेशान थी, बाजार में मसाले की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। टुनटुनी घूमती रही। दोपहर में धूप बहुत तेज हो गई। टुनटुनी को प्यास भी लगी थी। वो दुकान से पानी खरीदने जाने लगी तो वो सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखी। हे भगवान, ये कौन है? लगता है बिचारी धूप से बेहोश हो गई है। मैं अभी भैया से पानी खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी पानी की बोतल खरीद कर उस औरत के पास जाती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। फिर बूढ़ी अम्मा होश में आ जाती हैं। शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की। आज के जमाने में कौन किसकी परवाह करता है। बेटी, एक काम और कर दो। कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी अम्मा, चलिए। टुनटुनी उन बूढ़ी अम्मा को उनके घर तक छोड़ देती है। बातों ही बातों में टुनटुनी बूढ़ी अम्मा से अपनी बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं किसी जमाने में एक मशहूर जादूगरनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें जादुई मसाले दूंगी। उन मसालों के इस्तेमाल से सभी लोगों का व्यवहार अच्छा हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे। ये सब भूल जाएंगे कि तुम्हारा रंग काला है। इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी बेटी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, संडे के दिन इस मसाले का जादू काम नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी अम्मा, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। टुनटुनी जादुई मसाले लेकर घर आ जाती है। मसालों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि उसकी जेठानी और सास उसे कुछ नहीं बोलती। रात को खाने में वो उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करती है। जादुई मसाले अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। वाह, क्या सब्जी बनाई हो टुनटुनी बहू। अब चलो तुम भी बैठ कर खा लो।
सुबह से काम में लगी हुई हो। हाँ हाँ, आओ तुम भी खा लो, बाकी की रोटियाँ मैं बना दूंगी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन जब संडे आया तब टुनटुनी को चिंता होने लगी। आज तो संडे है, ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए, आज मैं कमरे में रहूंगी। टुनटुनी चुपचाप अपने कमरे में सो जाती है। तभी रात को उसकी सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीनू बाबू, जल्दी से आओ, मेरी सास फूल रही है। अपनी जेठानी के साथ मीनू भी अपने सास के कमरे में आती है। सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। दीदी, हम मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है। टाइम पर इलाज मिलने से उसकी सास जल्दी ठीक हो जाती है। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरे सांवले रंग की वजह से तुझे कितने ताने सुनाए हैं। हमें माफ कर दे बहू। अरे ये क्या, मसाले का असर तो खत्म हो चुका था, लेकिन टुनटुनी की सास टुनटुनी की तारीफें किए जा रही थी। टुनटुनी सच्ची और लगन से अपनी सास का दिल जीत लेती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।